अब देखो ये कह रहा है कि मतलब 163 पॉइंट से इस लाइन पे लेंथ आप परपेंडिकुलर हमको निकालें, मान चलो ये वाली लाइन से दी गई है और ये लाइन जिस पॉइंट से होके जा रही है उसका क्वाड्रेंट हो जाएगा 0, 1 और 2, और इस लाइन के जो डी आर होंगे, डी आर दिए गए हैं 1, 2 और 3, और यहां पे कोई पॉइंट दिया गया है तो दिया गया है 1, 6, 3, वहां से देखो हमको लेंथ आप परपेंडिकुलर, मान लो ए है, चलो हमको ए भी वैल्यू निकालें, चाहो देखो ऐसे कर सकते हैं इसमें, है ना। अब अगर चाहो तो यहां से ये भी इस लाइन का अगर हम प्रोजेक्शन ले लें तो हमारा ओ भी मिल जाएगा, ओ भी पता है, इसको डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लें या ऐसे कर सकते हैं, या लाइन पे वेरिएबल पॉइंट ले लें और इसका डीआर और इसका डीआर जो है प्रोडक्ट करके ये वाला पॉइंट हम निकाल लें, फिर इसके बीच के हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो बच्चों निकाल सकते हैं। देखो चाहे हम जैसे कर लेते हैं, पहले चलो हम ओ भी निकाल लेते हैं, तो ओ भी जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए, प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए, अब ये ऑन गिवन लाइन, ऑन गिवन लाइन, ठीक है बेटा। इसका डी आर चाहिए तो डी आर देखो, सॉरी डी आर डी सी चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन, जो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा इसे 1/√1² तो 4 और 1 5, 5 और 9 14, x2 - x1 तो 1 - 0 तो 1 - 0 मतलब हो जाएगा 1 × L मतलब √14, 1/√14, 2/√14, 3/√14 आ गया, y2 - y1 कितना हो जाएगा 1 - 6 - 1 भी हो जाएगा +5 × 2/√14 +3 - 2 1 × 3/√14 तो मॉडल्स करा देंगे ना, 5 × 2 = 10, 3 × 14 / √14 मतलब ये आ गया हमारा √14। ये देखो बच्चों वैल्यू आ गई √14 के बराबर। अब देखो यहाँ पे हम ओ ए निकाल सकते हैं, ओ ए देखो हम सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूले में आप निकाल सकते हो, ओ ए की वैल्यू आ जाएगी √(x2 - x1) 1 - 0² मतलब 1, 6 - 1 = 25 +3 - 2 तो 1 √(27) तो ये पता है और ये 27 पता है, तो देखो ये हम निकाल सकते हैं, ए बी इक्वल टू रूट हो जाएगा इसका स्क्वायर मतलब 27 माइनस ये स्क्वायर 14 कितना हो जाएगा, तो 7 में से 4 गया 3, 1 3 आ जाएगा √13 तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी हो जाएगी, तो जो सी ऑप्शन हो जाएगा √13 के बराबर, ठीक है।